आगे आइए आप। बनता है बिगड़ता है, चाहे जैसा भी हो, आज बन गया कल नहीं बना। बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनका परिवार के साथ में, स्त्री के साथ में बहुत दिन हो जाते हैं मृत्यु तक, ये भी आजकल बिरले है। किंतु अलौकिक जो प्रेम होता है वो व्यक्ति है, वो स्वतंत्र है, वो इच्छा से कृपा कर सकता है। इच्छा से कृपा नहीं करेगा, ऐसा दिव्य प्रेम होता है। कृष्ण स्वयं स्वतंत्र है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, उनका प्रेम भी वैसे ही है, सर्वतंत्र स्वतंत्र। इसलिए भक्ति को सर्व स्वतंत्र स्वतंत्र कहा गया है। भगवान को ले आती है, वशीभूत रखती है, दर्शन कराती है और अंत तक भगवान तक मिला लेकर उनके लोक में मिलाकर सेवा भी देती। स्वतंत्र है। अगर कल से पूछा था ना, ये जो है कि जीव मेरा रहस्य है, तो आप कह रहे हैं ना प्रेम रहस्य है, इसमें ऐसे लिखा हुआ है जीव मेरा रहस्य है। आप चतुष्पद भागवत पढ़िएगा, भागवत में ज्ञानम में परम मूल्यम श्लोक देखिएगा। जीव मेरा रहस्य है, यही संदेह है। कल मैंने आपसे पूछा था जीव रहस्य क्या है, ज्ञान भक्ति संबंधी है। विज्ञान भक्ति का होता है और जीव मेरा रहस्य है। जीव
भगवान का विभिन्न विभिन्नांश होने पर भी अलौकिक प्रेम का अधिकारी है। प्रेम रहस्य है, इसलिए जीव भी मेरा रहस्य है। प्रेम स्वतंत्र है, आपने बोला वो दिव्य प्रेम स्वतंत्र है, तो भक्तों के संग से फिर वो कैसे आता है? वो स्वतंत्र तो नहीं हुआ, वो तो भक्त देते हैं, उसकी स्वतंत्रता तो वहां मारी जाती है। अगर प्रेम स्वतंत्र हो तो भक्त, आपने बताया प्रेम स्वतंत्र है, अगर प्रेम स्वतंत्र हो भक्त दूसरे को प्रेम देते हैं, जैसे रूप गोस्वामी किसी को प्रेम दिया, महाप्रभु किसी को प्रेम दिया, तो स्वतंत्र कहाँ रखा? बोले किसी भक्त के अधीन हो गया। कौन दिया प्रेम? महाप्रभु दिया, एमन दयालु प्रभु नाइति युवा ने कृष्ण प्रेम जन्माय जा दिया। भक्ति ही तो दिया, और क्या दिया? भक्ति ही दिया, और कुछ नहीं। क्योंकि उनके अंदर में भक्ति है, इसलिए वो प्रेम दे सकते हैं। भक्ति स्वतंत्रना अवलंबनाना, किसी का अवलंबन नहीं रखती भक्ति। ज्ञान विज्ञान ही अधीन, ज्ञान और विज्ञान सब उसके अधीन। यहाँ तक बुद्धि नहीं चलती, भक्ति वहां तक है। हमारे प्रश्न वहां तक, उसके अंतिम छोर तक, बस राधा ही जानती हैं, कृष्ण नहीं जानते। कृष्ण सबसे सुंदर है, किंतु राधा जी का सौंदर्य से मोहित हो जाते। कृष्ण सबसे सुखकर है, सुख देने वाले, किंतु राधा जी को देखने से उनकी आंखें जुड़ा जाती है, शीतल हो जाता है। कृष्ण में सब गुण है, किंतु राधा जी को देखने से ही उनकी सब इच्छाएं पूर्ण हो जाती। किंतु कृष्ण कहते हैं मेरे अंदर कुछ है जिसे राधा जी हमको सबसे अधिक प्यार करती हैं और पागल हो जाती है। वो चीज क्या है? वो चीज क्या है? इसी चीज की अनुभूति के लिए चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और गंभीरा में बैठकर उसको आस्वादन। बापू सेवा और वाणी सेवा में बड़ी कौन सी है? क्या वाणी सेवा और बापू सेवा दोनों में से, बापू सेवा और वाणी सेवा दोनों में से बड़ी कौन सी है? दोनों बराबर है। हम बापू सेवा की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। वाणी मैंने जब बोलता है और बापू, बापू मैंने उनकी शरीर की सेवा, दोनों एक है। कभी कभी बापू की सेवा करने में आदमी थक जाता है, किंतु वाणी में नहीं थकता। जो कुछ वो कहता है कोई धारण कर ले तो उसका कल्याण हो जाए। कोई मूर्ख आदमी है, सेवा कर रहा है आंगिक,
उसके जन्म लग जाएंगे। यदि तत्व ज्ञान वाणी की सेवा नहीं, इसलिए कुछ अंशों में वाणी श्रेष्ठ है। भक्ति करने के क्या क्या तरीके हैं? कुछ पढ़ता डरता है कि ऐसे ही पूछ रहा है? पढ़ता है, उज्ज्वल लीन मणि पढ़ा है? तुम पढ़ा है? भक्ति करने का तरीका क्या क्या है? भक्ति करने का तरीका क्या क्या है? मैं करते कहते 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 सारा जीवन कहते कहते थक गया। और फिर प्रश्न वही है, आप किसी से भी पूछ सकते, कोई भी महाराज। महाराज आप बता दीजिए ना। गुरु जी मुझे नहीं पता था, इसको भी पूछ रहा हूँ मैं। वो नया आया महाराज, वो इन लोगों से सुने, हमको फुर्सत नहीं है। आपके बाबू को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? चलून क्या बढ़िया नींदा उठने पैर खाना जब। अच्छा, और प्रश्न महाराज जी, महाप्रभु जी और राय रामानंद संवाद में एक प्रसंग आता है, नाशो रमण नाहम रमणी। तो ये प्रेम के कौन से स्तर को अनुभव कर, जैसे प्रेम स्नेह मान प्रणय राग, ये नाशो रमण नाहम रमणी, ये प्रेम का कौन सा स्तर है? ये अंतिम स्तर प्रेम विलास विमोक्त। जहाँ पर दोनों में होता है, दोनों में से कोई एक नहीं समझता जे मैं कौन हूं, प्रेम प्रधान हो जाता, वही प्रेम की बातें कर रहे हैं। नासो रमणी नासो रमण दूती भेजी लो ना आन, कोई दूती को नहीं भेज, अपने आप मिले, अपने आप प्रीति हुई, यही प्रेम की ऊंची स्थिति है। अब सोई कान बिछुड़ गया, अब जा करके उससे पूछो जे क्यों बिछुड़ गया। ये दिव्य प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। Can I chant Giti Gupta's song in Spanish? Can she sing? There's the bhajans have been translated into Spanish. Is it okay to sing them in Spanish? In Spain you can do. There is no rain, you can sing in Spain. We cannot understand. Yeah, Spanish bhasha koi nahi samajhta. Anyone does not understand Spanish. In Spain, when she goes to Spain, she can sing in Spanish. When she goes to Spain, she can sing in Spanish. I'm not. Is necessary? She has another question. Is necessary learn another language like Hindi for go spiritual work for obtain bhakti? जानना चाह रहा था कि ना जीव को कब आवाज होता है कि उसे रागन हुआ भक्ति का अधिकारी हो गया। जीव कैसे समझेगा कि वो रागानुगा भक्ति का अधिकारी है? कोई साधक कैसे समझेगा कि वो रागानुगा भक्ति का अधिकारी है? उसका अधिकारी बने तो समझेगा। जो जितना अधिकार तक पहुंचता है उतना समझ, उसके आगे की बात नहीं।
बोले कैसे समझेंगे इनको, खुद लगाने से अधिकारी हुआ नहीं हुआ कैसे समझेंगे? कहा ना पहले अधिकारी बने, अधिकारी बनो। अधिकार क्या है, सिम्टम्स क्या है उसके, सिम्टम्स कनिष्ठ का अधिकार है, मध्यम का अधिकार है, उत्तम का अधिकार है, मुक्तों का अधिकार है, ये सब पढ़ो तब प्रश्न करना। महाराज जी, जब एक प्रचारक प्रचार में निकलता है तो एट प्रेजेंट प्रचार करते समय एट प्रेजेंट उसका आचरण किस तरह का होना चाहिए, तो किस बातों का, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जो प्रचार करते हैं कोई, तो उनका आचरण कैसा होना चाहिए? शुद्ध, कोई छीटा दाग न हो, गृहस्थ भी हो तो वैसा ही, एक गृहस्थ भी ब्रह्मचारी है, यदि एक स्त्री के अतिरिक्त नहीं। गुरुजी, हम आपके भावों को ग्रहण कैसे कर सकते हैं? अब कोई प्रश्न नहीं। No more question today. Thank you. बड़ी दूर से आ जाती है सब। कहाँ से? सही बोलोगे तब बात। दिल्ली के बाहर से। नहीं नहीं, दिल्ली में ही हमारा। कोई कहीं से, कोई कहीं से। हरे कृष्णा।